हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह सुबह का समय है और मैं जा रही हूं आज अपने हेयर कट और स्पा कराने के लिए। ये अपॉइंटमेंट मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पहले से बुक कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कहाँ से अपना हेयर कट कराती हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए पहले से बुक कर लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी समय से प्लान कर रही थी हेयर कट कराने के लिए। जब आपके हस्बैंड ऐसा कुछ करते हैं आपको पैम्पर करने के लिए और साथ में लेकर जाते हैं, तब बहुत ही अच्छा लगता है और मन खुश हो जाता है। हमने सुबह सुबह का अपॉइंटमेंट इसलिए लिया है क्योंकि इस समय मेरी बेटी सोती है और मेरी सिस्टर इन लॉ उसे आराम से संभाल सकती है, और मैं जा रही हूँ अपना हेयर कट कराने अपने पुराने घर के पास, क्योंकि पहले मैं वहाँ जाया करती थी और मुझे वहाँ हेयर कट कराना पसंद आता है। मैं उस जगह पहुंच गई हूं जहां मुझे अपना हेयर कट और स्पा करवाना है। मेरा हेयर कट और स्पा हो चुका है। वहां मैंने अब कोई भी शूटिंग नहीं की थी, क्योंकि हो सकता है किसी को पसंद ना आए और मैं ये नहीं चाहती थी कोई भी अनकंफर्टेबल हो जाए। घर आके मैं बहुत ही खुश थी हेयर कट और स्पा करा के, और बार बार मैं अपने बालों को छूकर देख रही थी। अब समय हो गया है लंच बनाने का, और लंच में हम खाने वाले हैं आज मसाला डोसा और सांभर। वीकेंड में ऐसे कुछ डिफरेंट चीज़ें बनाना मुझे अच्छा लगता है, और ये मेरे हस्बैंड और हम सबको काफ़ी पसंद आता है। सबसे पहले सांभर बनाने के लिए मैंने दाल में हल्दी और नमक डालकर उसको बॉईल होने रख दिया है। अब मैं डोसे की स्टफिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक पैन में प्याज और हरी मिर्च डाल दिए हैं। अब मैं कुछ बेसिक मसाले डालूँगी उसमें, और अब मैं उसमें बॉयल्ड आलू ऐड कर दूंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मसाले के लिए मुझे छोटे छोटे आलू चाहिए, इसलिए आलूओं को पैन में थोड़ा क्रश कर दूंगी, और डोसे की स्टफिंग तैयार है। बस अब मैं जल्दी से सांभर को बनाने की तैयारी करूंगी। मैंने दाल में इमली का पल्प ऐड कर दिया है, और अब मैं सांभर में तड़का दे दूंगी। सांभर में मैंने वेजीज भी ऐड करी थी, जैसे कि लौकी, मूली और बैंगन। उनको मैंने छोटा छोटा कट करके ऐड किया था और उनको उसी में मैश कर दिया था। बस मैंने तड़का देने के लिए पैन में प्याज डाला है, बेसिक मसाले डाले हैं, थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ मैं उनको, और मैं इसी मसाले में अपना सांभर ऐड कर दूंगी। मैं इसे थोड़ी देर बॉईल होने दूंगी और तब तक मैं डोसा बनाने की तैयारी कर लूंगी। आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने एक साथ रख लिया है और सांभर भी बॉईल हो रहा है। बस अब मैं डोसा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपने डोसा बनाने के लिए बैटर 2-1 दिन पहले ही तैयार करके रख दिया था, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो आप ये सब चीज़ें बना सकती हो, क्योंकि सर्दियों में डोसे का बैटर फर्मेंट होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं डोसा बना रही हूँ, फटाफट मैं अब डोसा बना लूँगी और हम सब लंच कर लेंगे। मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ये सब चीज़ें बनाने में, हाँ लेकिन अपने परिवार के लिए जैसा भी बन सके मैं ज़रूर वीकेंड पे कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। जब तक सांभर भी अच्छे से बॉईल हो गया था, और अब मैंने प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। आज ग्रॉसरी शॉपिंग का भी डे है, इसलिए लंच करने के बाद हम सब ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे। संडे को हम ज़्यादातर प्लान करते हैं कि हमें कहीं ना जाना हो, इसलिए हम सैटरडे को ही सारी शॉपिंग वगैरह ख़त्म कर देते हैं, ताकि संडे को हम सब मिलकर आराम कर सकें, घर में मूवी देखें और घर पे ही चिल करें। इसलिए सैटरडे को ही मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह फिनिश कर लेती हूँ। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने।
ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी शॉपिंग करने मैं टेस्को आई हूँ, और टेस्को आने के बाद मैं एक बार बच्चों के कपड़े ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची अभी 5 मंथ्स की है और मुझे उसके लिए कुछ कुछ नया नया लेते रहना बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैंने उसके लिए कुछ वेस्ट ली हैं, बहुत ही प्यारे कलर्स में थी। अब मैं बस अपनी वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग स्टार्ट करूंगी, जो भी हमें हफ्ते भर में लगता है, सब्जियां, फ्रूट्स, ब्रेड, दूध, दही, ये सब चीज़ें जो नॉर्मली हम लेते हैं, बस हम जल्दी से अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ये प्लांट्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में, तो मैं खड़े होकर जरा थोड़ा देखने लगी थी। हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम घर जा रहे हैं। आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश नहीं थी, और ऐसा मौसम यूके में देखना काफ़ी कम मिलता है। यही था मेरा आज का दिन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।